हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सटल वाल्व या फिर और गेट के बारे में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में और गेट होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ये जो सटल वाल्व होता है ये और गेट की तरह काम करता है। यहाँ पर अगर इसकी स्पेसिफिकेशन पर जाएँ तो ये 1/4 का है, मतलब कि तीनों जो इसमें होल बने हुए हैं 1/4 थ्रेड के हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीन रास्ते आपको देख रहे होंगे, एक में 1/2 लिखा हुआ है, एक में 1/4 लिखा हुआ है, एक में 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे साथ ही आपको सिंबल भी दिख रहा होगा, सिंबल में भी दिखाया हुआ है कि 1/2 कौन सा पोर्ट है, 1/4 कौन सा पोर्ट है और 2 नंबर कौन सा पोर्ट है। तो आपको सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पे दो लाइनें जा रही हैं और एक लाइन जो है वो एज आ आउटपुट यहाँ पर निकल रही है। देखिए, यहाँ पे NRV आपको दिख रहा होगा, मतलब कि चेक वॉल टाइप का दिख रहा होगा, वो एक लाइन हमारी बंद हो जाती है जब दूसरी लाइन ऑपरेट हो रही होती है। सेम अगर हमारी जो 1/2 और 1/4 में से कोई एक लाइन यहाँ पे ऑपरेट होगी, आपको ये समझ लेना है, 1/2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो 1/2 ऑपरेट होगी, 1/4 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो 1/4 ऑपरेट होगी। इनसे अगर हमारा जैसे आउटपुट एक ही है, वहाँ पे दो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज़ कैसे करना है, वो इस और गेट की मदद से आप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे दोनों लाइनों में मुझे दो अलग अलग टाइप के प्रेशर चाहिए, एक बार हमें 2 बार का प्रेशर चाहिए तो दूसरी बार 5 बार का प्रेशर चाहिए, तो हम इस सटल वॉल को यूज़ करके सेम आउटपुट लाइन का यूज़ करते हुए अलग अलग वहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। अब देखिए काम कैसे करता है। अगर मैं इसकी बात करूं काम की, तो यहाँ पे देखिए सटल वॉल के अगर अंदर देखेंगे तो ये केसिंग जो होती है रेड कलर की, वो बाहर का हिस्सा है, मतलब वो जो बाहर आपको दिख रहा था वो केसिंग है। एक इसमें राइट साइड में सप्लाई पोर्ट 1/2 लिखा हुआ था, एक में 1/4 लिखा हुआ था, तो ये सप्लाई पोर्ट हो गए दोनों, और जिसमें 2 है वो हमारा आउटपुट पोर्ट है। अब क्या होता है, जैसे कि एक साइड से हाई प्रेशर आ रहा है, दूसरी साइड लो प्रेशर है, नहीं प्रेशर है सपोज़, तो हमारा जो ये पिस्टन होता है वो मूव हो गया दूसरी साइड चला जाएगा और हमारा आउटपुट एयर इस तरीके से ऑन हो जाएगी। तो देखिए अभी पोर्ट 1 से एयर यहाँ पे जा रही है और आउटपुट को निकल जाएगी। अब देखिए ये तो हो गया कि जब पोर्ट 1 एक्टिवेट है, अभी इस तरफ प्रेशर ज़्यादा है 1 की तरफ 2 के कंपेयर में, तो यहाँ पे जो पिस्टन है वो 2 की तरफ चला गया है और इससे 2 क्लोज़ हो गया है और 1 खुल गया है। अब देखिए सेम उल्टा अगर हम करते हैं, अभी 2 नंबर पोर्ट में हाई प्रेशर आ रहा है तो हमारा पिस्टन जो है वो लेफ़्ट साइड मूव हो जाएगा और हमारा इस तरीके से एक तरफ NRV बन जाएगा और आउटपुट में हमारा एयर का फ्लो आ जाएगा। दोस्तों ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होते थे, जैसे कि सपोज़ 2 नंबर पोर्ट से मेरा 1 बार का प्रेशर आना है सीट चेक के लिए, सपोज़ वो जा रहा है जो कि लो प्रेशर पे जाता है, और दूसरा हमारा सेम अगर रेस्ट पैड पे जो क्लीनिंग के लिए जा रहा है वो सपोज़ 1 पोर्ट से जा रहा है, तो हम एक ही आउटपुट पोर्ट का यूज़ करते हुए अलग अलग इनपुट प्रेशर वहाँ पे दे सकते हैं और एक लाइन से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से शटल वॉल्व काम करता है और आप ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कहाँ इसको यूज़ करें।